हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST रूल्स के बारे में। सो क्या कहता है ये रूल 36 सब रूल 4? सो इट स्पीक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR 1। मान लीजिए मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने किसी सप्लायर से गुड्स खरीदे 100+5 रुपीज GST और मैंने उसको 105 रुपए दे दिए। अब ये जो इनवॉइस था, मान लीजिए इसको दे देते हम लोग नाम इनवॉइस नंबर 1। ये सप्लायर ने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया, तो ऑब्वियस है कि अगर उसने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया तो GSTR 2A, किसके GSTR 2A? रेसिपिएंट के GSTR 2A में इस इनवॉइस की डिटेल्स नहीं दिखेगी। और अगर रेसिपिएंट के GSTR 2A में इस इनवॉइस की डिटेल्स नहीं दिखती है तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5 रुपीज का, वो रेसिपिएंट अवेल नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सो रूल 36 सब रूल 4 provides relief to those taxpayers whose input tax credit does not appear in GSTR 2A। तो आइए देखते हैं क्या कहता है रूल 36 सब रूल 4। मान लीजिए आपके पास 100 invoices है और उन 100 invoices की जो input tax credit है उसका हम total करें तो वो बनती है 1,00,000 रुपए। मान लीजिए उसमें से 70,000 की जो invoices है, 70,000 की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो GSTR 2A में दिख रही है और जो 30,000 की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो GSTR 2A में नहीं दिख रही है। तो ये जो 70,000 की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम कहेंगे एलिजिबल ITC और जो 30,000 की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम कहेंगे इन एलिजिबल ITC। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपकी एलिजिबल ITC है उसका आप 10% ऐड करो। ठीक है, एलिजिबल ITC में 10% ऐड करो। किसका 10%? एलिजिबल ITC का 10%, मतलब 70,000 प्लस 10% तो कितना हुआ 77,000। उसको कंपेयर करो आपकी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट से, आपकी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है 1,00,000 रुपए और इन दोनों में से जो अमाउंट कम है दैट कैन बी अवेल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इस केस में विच एवर इज लोअर क्या आएगा फ्रेंड्स, 77,000 और इस 77,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपका पूरा 30,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस नहीं हुआ, 10% ऑफ एलिजिबल ITC जितना आपको क्या मिला, रिलीफ। मतलब एलिजिबल ITC में 10% जोड़ा आपने जो कि आया 7,000 रुपीज, उसको आपने आपकी टोटल ITC मतलब जितना अमाउंट आपने सप्लायर्स को पे किया था इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट उससे कंपेयर किया और विच एवर इज लोअर जो अमाउंट आया दैट यू कैन अवेल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपकी टोटल ITC है 30,000 रुपीज, उसमें से 28,000 रुपीज जो ITC है वो GSTR 2A में अपियर हो रही है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एलिजिबल ITC। जो 2,000 है वो 2A में अपियर नहीं हो रही है इसलिए हम उसको कहेंगे इन एलिजिबल ITC। तो एलिजिबल ITC में आप क्या ऐड करोगे, 10% ऑफ एलिजिबल ITC विच कम्स टू 30,800 रुपीज। उसको आप कंपेयर करोगे आपकी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो कि आया 30,000 रुपीज एंड विच एवर इज लोअर कैन बी अवेल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो विच एवर इज लोअर कम्स टू 30,000 इन दिस केस, इसीलिए आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस नहीं हुआ। आपकी जो इनएलिजिबल क्रेडिट थी 2,000 रुपीज, दैट इज लेस देन 10% ऑफ योर एलिजिबल ITC और इस वजह से आप पूरा 30,000 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले सकते हो और आपका कोई भी ITC लॉस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? 30,800 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपने आपके जो सप्लायर्स हैं उनको पे ही 30,000 किया है, तो जितना आपने क्रेडिट पे किया उतना ही आप बेनिफिट ले सकते हो, उससे ज्यादा तो आप बेनिफिट ले नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।